आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, तुम्हारा क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन डज रबिंग कॉजेस बिकॉज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट्स एक्वायर चार्ज। बेसिकली हमसे पूछा है कि रबिंग में होता क्या है। सर, रबिंग में जब हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें, कोई दो सूटेबल ऑब्जेक्ट्स को रब करें, तो व्हाट हैपेंस दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज। एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स इज स्लैश आर चार्ज्ड, होता क्या है। बेसिकली एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल है कि लेट्स से एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड लेट्स से वो ये है, राइट, एंड एक सिल्क क्लॉथ है। सिल्क, नॉट स्लिक, हाँ, इरेजर, सिल्क क्लॉथ, एंड लेट्स से दिस इज द सिल्क क्लॉथ। तो बेसिकली एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं इस ग्लास रॉड को, राइट, इस ग्लास की रॉड को इस पे रब करूं, यानी कि ग्लास रॉड पकड़ूं और सिल्क क्लॉथ को उसके तरफ, उसकी एकदम उसके तरफ मोड़ के एकदम उसको रब करूं उसके ऊपर पकड़ के, तो बेसिकली क्या होगा कि हम बाद में नोटिस करेंगे, रब करने के बाद, थोड़ी देर रब करने के बाद, वी विल नोटिस दैट जो हमारी ग्लास रॉड है वो हो जाएगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। मतलब मीनिंग, अगर इस रॉड पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू आ गया होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, साइन अलग है, राइट, पर ऐसा हुआ क्यों बेसिकली हमसे ये पूछा है। तो बेसिकली क्या होता है इन रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आएगा रब करने पे, राइट, एब्सोल्यूटली हीट इज जनरेटेड वेयर देयर इज फ्रिक्शन, देयर इज हीट। फ्रिक्शन एक फोर्स है बेसिकली, तो हीट जनरेट होगी, एंड व्हेन द हीट इज जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉडी, यानी कि जो भी उनमें से कोई एक बॉडी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स गिव अप इजीली करेगी, तो उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉडी विल गेन द एनर्जी, गेन द एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, राइट, हीट की जो एनर्जी हुआ है, टू एस्केप इट्स एटम एंड देन गेट ट्रांसफर टू द अदर बॉडी। बेसिकली हमारे एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ, जब हमने ग्लास रॉड रब करी, ये रॉड थी हमारी, ये क्लॉथ था, जब हमने रॉड रब करी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आ गई ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू हीट, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे, इसके इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए इस क्लॉथ में, राइट, इलेक्ट्रॉन इसके कम पड़ गए, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया क्लॉथ में, तो इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो दैट इज हाउ हम रबिंग से पता लगा लेते हैं कि ये बॉडीज चार्ज हो गई है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, राइट। तो बेसिकली दिस इज द एक्शन दैट रबिंग कॉजेस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।